नमस्कार, नमस्कार मैम। बताइए आपने कौन सा स्टॉक किस भाव पे खरीदा हुआ है? मैम मेरा वो 41.80 के हिसाब से 100 शेयर तो धनलक्ष्मी के हैं जी, 41, 41.80 जी 41.80, ठीक है, के ओके, 1,000 शेयर हैं मेरे पास धनलक्ष्मी के। ओके। और दूसरा है जी, और 200 शेयर हैं मेरे पास NBCC के 140 के भाव से जी। एक इनका क्या सौ भविष्य हो तो इनका बताओ जी। 140 पर आपने NBCC लिया हुआ है, आपने हिंदुस्तान वो जिंक भी लिया नहीं, हुआ है क्या? जिंक नहीं लिया जी, धनलक्ष्मी। चलिए, NBCC और धनलक्ष्मी अभी बैंक, ठीक है। आपका नजरिया क्या होगा इसमें? मैं 1-6 महीने या साल भर रुक जाऊंगा जी। 6 महीने या साल भर का नजरिया है, ठीक है। गौरंग, आपके पास आऊंगी मैं दोनों ही स्टॉक के सवालों को लेकर, और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि बाजार की दशा और दिशा पर आपकी भी टिप्पणी, क्योंकि शुरुआती सेशन आपके साथ मिस हो गया बाजार की चाल को लेकर, उसका जवाब देते हुए हमारे दर्शक अमित के स्टॉक स्पेसिफिक सलाह। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। क्षमा चाहता हूँ आपसे कविता, थोड़ा विलंब हुआ जुड़ने के लिए, थोड़ी दिक्कतें थी इंटरनेट कनेक्शन को लेकर के, इसलिए ये विलंब हो गया है, क्षमा चाहता हूँ आपसे। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो NBCC और धनलक्ष्मी बैंक, पहले तो धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये कमजोर कड़ी है कविता बैंकों की सूची में, धनलक्ष्मी बैंक। और अगर आप पिछले 4 या 5 तिमाही के नतीजों पर भी नजर डालें तो ऐसा कोई उत्साह आता नहीं है कि आप यहाँ पर कोई विकल्प बना करके चले, तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि धनलक्ष्मी बैंक पर कवर है। लेकिन हाँ, आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारी राय में IDFC फर्स्ट बैंक करीबन 75 या 80 के बीच में कामकाज कर रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक, अगर हम तुलना करते हैं धनलक्ष्मी बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के बीच में, तो IDFC फर्स्ट बैंक थोड़ा बहुत मजबूत और सक्षम नजर आता है धनलक्ष्मी बैंक की तुलना में, तो आप चाहे तो ये परिवर्तन कर सकते। अब प्रश्न है NBCC के ऊपर। तो NBCC पर हमारी बुनियादी तर्क पर बेचने की राय है, और अगर आप यहां से बेच करके निकलना निर्णय लेते हैं आप, तो निर्माण, क्योंकि ये भी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई दूसरी एक कंपनी है NCC लिमिटेड, जिसका पहले नाम हुआ करता था कविता नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अभी उसका नाम है NCC लिमिटेड, तो ये परिवर्तन हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा। तो आपको एक बेहतर रणनीति आपके स्टॉक पर मिलती हुई गौरांग जी की तरफ से। अगली कॉलर को अपने लाइन पर हैं कैलाश, नमस्कार कैलाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अरे अरे मैडम नमस्कार। तो नमस्कार सर, बताइए आपने कौन से स्टॉक में किस भाव पे खरीदारी कर रखी है? SW सोलर 200 क्वांटिटी 1.5 में, क्या भाव बताया आपने? 485। 485। हाँ चलिए, तो कब तक मुनाफे होल्ड में करें आप तो रुक, तो हाँ मुनाफे में तो मैं तो वही जानना चाहता हूँ कि और रुकू, मैं तो रुकने का नजरिया लंबा है, लेकिन आप अगर बोलो और रुको तो मैं 2 साल भी रुक जाऊंगा, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसको निकालना है। हाँ चलिए ठीक है। गौरांग, आपके कवरेज में है ये? कविता कवरेज में नहीं है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार। और जिस प्रकार से रुझान रहा है पिछले 6-8 महीनों में, काफी ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे, और भविष्य भी काफी उज्जवल लग रहा है। जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं, नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो विंड और सोलार से ज्यादा खड़ी होगी, और उस परिस्थिति में स्टर्लिंग एंड विंसल जैसी कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि उनके ऑर्डर बुक मजबूत होगी। अभी ऑर्डर बुक होगी तो कामकाज सक्षम होगा, कामकाज सक्षम होगा तो नतीजे अच्छे आएंगे। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक अच्छी अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है, और मैनेजमेंट को लेकर के कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब प्रश्न ये है कि इन्होंने जो स्तर पर निवेश किया और जो स्तर पर कामकाज कर रहे हैं, तो विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कविता, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी और भविष्य काफी सुरक्षित है। चलिए, तो ये सलाह आपको फिलहाल दी जा रही है, और हमें एक छोटे से